आप समझ लीजिए दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। जैसे ही कोई बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले, हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था, आज जब से हम लोग आए कितना ज़्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए, आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला। इस देश के जरा संविधान को देख लीजिए क्या है शुरू से बना है, और जो भी गवर्नर होते हैं तो क्या गवर्नर से खाली बतिया जाता है कि सरकार से बतिया जाता है कोई बात होता है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बाबू जगजीवन राम की आज जयंती है और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं बाबू जगजीवन राम की आदमकद प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकार भी मौजूद थे वहाँ। पत्रकारों ने जब पूछा उनसे कि आज उस जगजीवन राम की प्रतिमा में आप माल्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन बिहार कहीं ना कहीं सुलग रहा है, आखिर कौन सुलगा रहा है इस बिहार को, तब उन्होंने कहा कि दोनों जगहों पर, सासाराम और नवादा दोनों जगहों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए ये काम किया है। हम घर घर जाकर इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये काम किसने किया है, क्या किया है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि पहले तो नाम बिहार था, हमारे ही शासनकाल में हमने ही उसको बिहार शरीफ रखा, कि बिहार और वो शरीफ है, बिहार शरीफ है, मतलब कि बिहार में कहीं कुछ ऐसी बातें नहीं होती। उन्होंने बहुत सफाई से कहा कि क्या इसके पहले ऐसा कुछ हुआ था। उन्होंने अमित शाह के ऊपर निशाना साधा बिना नाम लिए। उन्होंने कहा कि जो आने वाले थे पहले वहां करवाए, उसके बाद वहां करवा दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा नीतीश कुमार, पहले सुनवा दें आपको। आप समझ लीजिए दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। जैसे ही कोई बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले, हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था, आज जब से हम लोग आए कितना ज़्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए, आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला, तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया, बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछें और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा जा करके देख रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना ये सब किया गया, एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए, बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है, बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत, तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए, और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ ना कुछ अंदर से इधर उधर किया, तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से ही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए, आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कहा के लिए हुआ, तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है, किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या खुलिएगा, आप लोग सब पटना में है, लेकिन जब दिल्ली का देख लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है, अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है, और दो लोग है समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। तो वो तो कहा गया है कि अगर केंद्रीय मंत्री अमित शाह है, उन्होंने आपसे बात नहीं की, राज्यपाल से बात किया, फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आप सोच रहे हैं कभी कभी हुआ है इस देश के जरा संविधान को देख लीजिए क्या है शुरू से बना है, और जो भी गवर्नर होते हैं तो क्या गवर्नर से खाली बतिया जाता है कि सरकार से बतिया जाता है कोई बात होता है।
तो आपने सुना, ये थे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री। कहा कि लोग जो शामिल हैं खोज कर निकाले जाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोगों के सामने सारी बातें आएंगी। अब हमें भी इंतजार है कि कितनी इंक्वायरी होती है और कौन वो लोग थे जो ऐसे घटना को अंजाम दिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।